हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो पे। क्या आपका भी रियलमी का फोन आपसे लॉक हो गया है पासवर्ड पिन पैटर्न? जी हाँ फ्रेंड, अगर आपसे भी एक मिस्टेक हो गया है, आपका रियलमी का फोन आपसे लॉक हो गया है पासवर्ड पिन पैटर्न में, और आप अपने हैंडसेट को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो तो आप परेशान हो जाते हो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये मेरा हाथ में एक रियलमी कंपनी का फ़ोन है, जो कि मेरा फ़ोन लॉक है, यानी पासवर्ड में मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड है, आप भी देख सकते हो आपके फ़ोन में, या 4 डिजिट का हो या 6 से अधिक हो या 4 से कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जब आपका फ़ोन लॉक हो जाए तो अपने फ़ोन में बार बार रॉन्ग पासवर्ड डायल करते हो, जिससे आपको कभी याद आ जाए कि हमारा फ़ोन का पासवर्ड यही है। लेकिन बट आपका फ़ोन का पासवर्ड ये नहीं होता है, और जिस कारण से आपका फ़ोन कुछ 30 सेकेंड के लिए लॉकेड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको बात समझने की बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो स्किप नहीं करना, अगर वीडियो स्किप करोगे तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो चलिए कैसे अपने हैंडसेट को अनलॉक करते हैं। रियलमी के कोई भी मॉडल हो, चाहे रियलमी का 3G हो, 4G हो या 5G फ़ोन हो, आपका फ़ोन लॉक हो गया है, अनलॉक कैसे करते हैं वो भी घर बैठे बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए, तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड, पहले अपने फ़ोन को ऑफलाइन मोड में लेके जाना होगा। समझिएगा यहाँ पे ऑफलाइन मोड होता क्या है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन में से चाहे तो एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर सकते हो, या तो सिम कार्ड निकाल सकते हो, तभी आपका फ़ोन ऑफलाइन मोड में चला जाएगा, ठीक है ना। इसकी देख लिए, तो आपको ऑफलाइन मोड में लेके जाने का आपके पास 2 तरीका है। कोई एक तरीका आपको यूज करना होगा। हम तो अपने फ़ोन में से सिम कार्ड को निकाल चुके हैं, देख सकते हो। आपको फिर एंड इसके बाद क्या करना है, पावर बटन को क्लिक करके ही रखना है, यानी प्रेस करके। जब कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रीस्टार्ट में लेके चले जाना है। जब आपका रियलमी का फ़ोन रीस्टार्ट में चला जाए तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, जब तक आपका फ़ोन ओपन नहीं होता। यहाँ पे आपका जब फ़ोन ओपन हो जाए तो मैं आगे का मेथड आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो आपको भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा, यदि लास्ट तक देखोगे तो आपका फ़ोन जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, बिना पैसा वेस्ट किए, बिना डाटा डिलीट किए। आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए, हमारा फ़ोन ओपन हो गया। जब ओपन हो जाए तो ये 30 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिंपली जब ये ख़त्म हो जाए तो आपको करना क्या है, इमरजेंसी कॉल के पेज पे जाना है और यहाँ पे एक कोड को डायल करना है। क्या कोड है, ये अनलॉकिंग का कोड है, ठीक है ना। इस कोड को आप डायल कीजिए अपने फ़ोन में या हैंडसेट में, कॉपी कर लीजिएगा और एक बार मिला दीजिएगा। ये अनलॉकिंग का कोड है। ये कोड को यूज करने के बाद कॉल पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, सिंपली आपको ओके करना है एंड देन इस कोड को इरेज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डाटा रिकवर का कोड दिया जाएगा, जिससे आपका डाटा भी रिकवर हो जाए, ठीक है। तो इस कोड को आप यूज कीजिए, जिससे आपका डाटा भी रिकवर हो जाए। जब ये ऐसे सिचुएशन पे आ जाए तो आपको यहाँ पे कॉल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओके का ऑप्शन पे क्लिक करके इस कोड को इरेज कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे होम बटन क्लिक करना है। होम बटन क्लिक करने के बाद आपको इमरजेंसी कॉल को ओपन करना है और यहाँ पे मैक्सिमम 5 सेकेंड वेट करना है। जब 5 सेकेंड आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे एक मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज करना होगा, *8999। ये कोड को डायल करते ही आप एक इंजीनियर मोड का फाइल आपके सामने ओपन होगा और आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन होगा। आपको वही ऑप्शन यूज करना है जिससे आपका फ़ोन अनलॉक हो सके। तो आपको यहाँ पे मैनुअल डिस्क ऑप्शन ओपन करना है, सेकेंड नंबर पे आके जायरोस्कोप को ओपन करके डाटा डिस्प्ले को ओपन कर देना। आपके फ़ोन में जितना डाटा होगा सारा का सारा यहाँ पे आपके सामने ही रिकवर हो जाएगा। बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक ये जो लाइन बनते आ रहा है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 30 लाइन कंप्लीट होने के बाद ही इसे बैक कीजिए। 30 लाइन कंप्लीट हो गई है, बैक कर लिए, जायरोस्कोप यहाँ पे क्लिक करके इसे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करके यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस चेंज हो जाए, बैक कर लेना है
बैक करना है, सबसे लास्ट वाला पेज पे जाना है, अदर्स पे रीड राइट इंपोर्टेंट लोटस पे यहाँ पे एक कोड को डायल करना है, स्टार हैज 1 3 एंड हैज, ये कोड को याद रखिए। आपको यहाँ पे ओके करना है, रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा, कि स्टेटस को ओपन करना है, आपके फ़ोन में जो भी 3 पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट फ्रेस लॉक है यहाँ पे सारा का सारा पास हो जाएगा, बैक कर लेना है, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडेक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे पास का ऑप्शन आएगा, होम बटन क्लिक करना, फिर आप लॉक स्क्रीन पे आओगे, फिर आपको इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने कोड बताया था स्टार हैज 813 एंड हैज, ये कोड को डायल कीजिएगा, आपका फ़ोन रियलमी का अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आपका फ़ोन जब अनलॉक हो जाए तो मेरे जो भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपको इस वीडियो में बहुत ही शेयर करके आपको अपने फ्रेंड के पास भेजे, कम से कम बहुत ज़्यादा तो आप इस वीडियो से कुछ सीख सकते हो, आपका पैसा भी बच सकता है, आपका डाटा भी बच सकता है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आप घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।